वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया कि रामलाल जो है, भोले के पिताजी जो हैं, वो भोले को स्कूल लेके चले गए थे, ओके। और उसके बाद उन्होंने भोले को हेडमिस्ट्रेस जो है, प्रधानाध्यापिका, उसको हैंडओवर कर दिया था, उसको सौंप दिया था कि आप जानो, ये भोले जाने, इसको स्टडी करवाना है, पढ़ाना है, ओके। आपको मैं डेली ये बताया करता हूँ कि हम अभी फिलहाल जो है जो स्टडी कर रहे हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं रेजुलेशन जो बुक है 10th RBSC बोर्ड में, सप्लीमेंट्री बुक चलती है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। उसका सेकंड लेसन चल रहा है जिसका नाम क्या है, भोली। तो भोली लेसन में हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया कि उसको स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया है, एडमिशन दिलवा दिया गया और हेडमिस्ट्रेस को सौंप दिया गया, और उसके जस्ट बाद में वो वहाँ से रामलाल जी चले आए। और हेडमिस्ट्रेस ने क्या किया, हेडमिस्ट्रेस ने उस भोली को जो है टीचर को सौंप करके, और वो वहाँ से एक तरह से फ्री हो गए। कहने का मतलब, प्रधानाध्यापिका ने टीचर को बोल दिया कि इसको क्लास में बैठा दो, ओके। इसके जस्ट बाद में क्या होता है, टीचर ने उसको कहा कि आप एक कोने में बैठ जाओ, क्लास के एक कोने में बैठ जाओ। अब भोली तो भोली है, उसको फर्स्ट टाइम स्कूल गई है, तो उसको इतना ही पता नहीं है कि स्कूल क्या था, ओके। सी डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली द स्कूल वॉच, ओके। ये उसको पता नहीं है स्कूल कैसा था, इस बात का उसको पता नहीं है। अब वहाँ जब क्लासरूम में बैठी, तो क्लासरूम में चारों तरफ पिक्चर्स लगी हुई है, छोटे बच्चों को स्टडी करवाने के लिए पिक्चर्स लगा देते हैं दीवार पे हम, तो बच्चे थोड़ा जल्दी देख करके सीख लेते हैं। तो वहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई है, तो उसने सबसे पहले जो है घोड़े को देखा, और घोड़े को देख करके वो कंपेरिजन करेगी, ये घोड़ा तो वैसा ही है जैसा तहसीलदार साहब घोड़े पर बैठ के आए थे अपने गाँव में, ओके। उसके जस्ट बाद में वो एक पैरेट को देखती है, तो पैरेट को देख कर कहती है कि ये पैरेट तो उसी प्रकार के पैरेट्स के समान है जैसे हमारे पड़ोस में लोग पैरेट रखते हैं, तोता रखते हैं। फिर वो गाय को देखती है, बकरी को भी देखती है, और बकरी को देख रहती है पड़ोस में हमारे यहाँ लोग रखते हैं, पड़ोसी वैसी ये बकरी है। और जो तोता है उसको देख के भी वो कहते हैं कि ये तो फलोद्यान में पाए जाते हैं, ये हमारे कुछ हमने देखे भी हैं फलोद्यान में, वो कार्ड एक पर्ड आया था उसमें, ओके। और कुछ अपन देखते हैं, मान लो पड़ोसी भी ऐसा करते हैं कई बार, तो हम उसका कंपेरिजन जो है एक तरह से कर सकते हैं। तो भोली जिस प्रकार कंपेरिजन कर रही है, ओके, तो ये कंपेरिजन वो कर रही है, ओके। इसके जस्ट बाद में वो क्या देखती है, गाय का चित्र देखती है। तो गाय का चित्र देख करके वो क्या कहती है कि ये गाय का जो चित्र है वो तो एक तरह से कैसा है, वैसा है जैसे हमारी जो गाय लक्ष्मी है उसकी तरह इसका चित्र लग रहा है, या ये गाय जो है वो उससे हमारी लक्ष्मी की तरह है। इस प्रकार जो है वो वहाँ कंपेयर कर रही है, ओके। और जो बच्चियाँ वगैरह जो है वो भी वहाँ बैठी हुई है। थोड़ी देर बाद में जो है उसको उसका नाम पूछा जाता है कि व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, आपका नाम क्या है बेटा। तो वो नाम जो है वो बताने में हिचकिचाती है, हकलाती है, क्या नाम बताए, तो वो भय भय इस प्रकार से करती है। तो मतलब उसको कंप्लीट नाम नहीं आता, वो स्टैमरिंग करती है, हकलाती है, ओके। तो हकलाने के लिए मतलब एक तरह से जब हकलाती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है कि अब मैं मेरा नाम जो है वो कैसे बताऊं। इस प्रकार से जो है भोली स्कूल में जाकर के और बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन कहाँ जा सकती है। फिर जैसे जैसे वो धीरे धीरे अपना नाम जो है खोल करके बताने लगती है, तो उसकी आंखों से अश्रु धारा बह निकलती है, कहने मतलब आंसू आने लगते हैं, और वो जोर जोर से रोने लगती है, ओके। और रोने लगती है तो वो जो टीचर है वो भी देखते रहते हैं, वहाँ टीचर उसके पास में बगल में खड़ी है, ओके। इसके जस्ट बाद में देखिएगा आगे क्या होता है, ओके। सी कैप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे कर लिया, ओके। सी कैप्ट हर हेड डाउन, सिर नीचे कर लिया। एज सी सैट इन हर कॉर्नर, जैसे कि वो एक कॉर्नर में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, नॉट डेयरिंग, साहस नहीं करते हुए, लुक अप मीन्स देखना, ऊपर देखना, एट द गर्ल्स, लड़कियों की तरफ जो है ऊपर देखने का वो साहस नहीं कर पा रही थी, या साहस नहीं करते हुए। हु सी न्यू, जो कि वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, वो लड़कियाँ उसकी तरफ देख करके हंस रही थी, क्योंकि उसको बोली जो है वो ढंग से नहीं आ रही है, इसलिए वो हंस रही थी। तो इस बात सब को लेकर के उसने अपना इंसल्ट महसूस किया, और वो अपना सिर जो है ऊपर नहीं कर पा रही है, उसको अपने आप में जो है इंसल्ट महसूस हो रही है, क्योंकि उसको बोली कैसे आती है, हकला करके आती है, उसको ढंग से या क्लियर वॉइस उसकी जो है वो नहीं निकलती है, ओके।
इसके जस्ट बाद देखिएगा, व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्करेड आउट, लड़कियां जो है तेज गति से बाहर आ गई, स्करेड का मतलब रैन फास्ट, आउट मीन्स बाहर, वो तेज गति से बाहर आ गई, किससे, ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से जो है वो बाहर आ गई, ओके। हम इसको जो स्करेड का दोनों का मीन्स कर सकते हैं, बाहर आना, मैंने यहाँ लिखा रैन फास्ट, तेज दौड़ी, तो तेज दौड़ करके बाहर ही आते हैं, तो आप इसको स्करेड को अलग भी ले सकते हैं और आउट को इसके आगे ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो लड़कियां सभी जो हैं वो रूम से, अपने अपने रूम से बाहर निकल के आई हैं, बट भोली डेयर नॉट, भोली ने साहस नहीं किया लीव हर कॉर्नर, अपना जो कॉर्नर है, कोना है, उसको छोड़ने का उसने साहस नहीं किया, क्योंकि उसको इंसल्ट महसूस हो रही थी कि अभी बाहर जाएंगे, उसके बाद फिर से वो लड़कियां जो हैं वो अपना मजाक उड़ाएंगी, तो वो बाहर नहीं आई, क्लासरूम से बाहर नहीं आई। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका सिर जो है नीचे झुका हुआ था, सी केप्ट ऑन सोबिंग, वो सुबकती रही, केप्ट ऑन सोबिंग, सुबकती रही, और टीचर ने क्या बोला, भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, जो अध्यापिका है वहाँ पर उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, एंड सूदिंग, और शांत करने वाली भी थी, ओके। इन ऑल हर लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन में, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसको कभी इस प्रकार से किसी ने पुकारा नहीं था, जिस प्रकार से टीचर ने पुकारा ना, वैसे उसको उसकी फैमिली में किसी ने आज तक जो है उसको नहीं पुकारा था, तो उसका जो टीचर का पुकारना है वो उसको काफ़ी अच्छा लगा, कि मेरे को एक तरह से एक प्रेम के भाव से मुझे जो है वो पुकारा जा रहा है, क्योंकि ऐसा कभी आज तक उसके साथ नहीं हुआ था, ओके। इसके जस्ट बाद देखिएगा, उसको कभी ऐसा पुकारा नहीं गया था, इट टस्ट हर हार्ट, इस बात ने जो है उसके हृदय को छू लिया, टच मीन्स छूना, ओके। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा बेटा उठो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा कि बेटा उठो, ओके। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये कमांड नहीं था, क्या नहीं था, आदेश नहीं था ये, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, क्या था ये, एक मित्रवत सुझाव था, जैसे कोई फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को या अपनी कोई सहेली है, उस सहेली को दूसरी सहेली बोलती है, वैसे एक फ्रेंडली सजेशन था, ओके। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हुई, ओके। नाउ टेल मी योर नेम, अब आप मुझे अपना नाम बताइए। स्वेट ब्रोक आउट, स्वेट मीन्स पसीना, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मीन्स होता है कंप्लीटली, उसको एक तरह से पूर्ण रूप से तर कर दिया पसीने ने, मतलब भयंकर रूप से उसके पसीना जो है वो आने लगा, बहुत ज़्यादा जो पसीना है वो आने लगा, ओवर हर होल बॉडी, उसके संपूर्ण शरीर पे जो है वो पसीना आ गया, मतलब पसीने से वो तर बतर हो गई, ओके। वुड हर स्टैम्बिंग टंग अगेन डिस्क्रेस हर, क्या उसको पसीना तो आ गया कि अब दोबारा वो सोच रही है कि अगर मैं बात करूंगी तो क्या होगा, वुड हर स्टैम्बिंग टंग, उसकी जो हकलाने वाली जो आवाज़ है, जुबान है, क्या उसको दोबारा अपमानित करेगी, डिस्क्रेस, डिस्क्रेस मीन्स अपमानित करना, क्या मैं जो हकलाने वाली लैंग्वेज में बोलती हूँ क्या ये आवाज़ मुझे फिर से अपमानित करेगी, फिर से मेरी इंसल्ट जो है हो जाएगी यदि मैं सबके सामने इस प्रकार से बोलूँगी, ओके। फिर देखिएगा, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड, फॉर द सेक के खातिर, इसके खातिर, ऑफ दिस काइंड, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस प्रकार की जो महिला है उसके लिए, महिला भी कैसी, दयालु महिला, ओके। दयालु महिला कौन है, जो टीचर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह सिंपैथी से बोली है, धीरे से बोली है वो, और एक प्रेम जो शब्द है या प्रेम रूपी शब्दों से जो है धीरे से उसने सॉफ्ट वॉइस में उसको पुकारा है। हाउएवर, यद्यपि, सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने प्रयास करने का निश्चय किया कि मैं बोलूँगी, ओके। प्रयास करने का निश्चय किया उसने, सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत कर देने वाली थी, सी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उसका उस पर जो है हंसेगी नहीं। एफर्ट, तो यहाँ पर जो एफर्ट कौन कर रहा है, यहाँ पर तो एफर्ट है भोली कर रही है, और वो जो है यहाँ सी हैड एंड सूदिंग वॉइस, ये आवाज़ जो है ना, ये आवाज़ टीचर की है कि शांत कर देने वाली आवाज़ थी, और शायद वो टीचर है मेरे ऊपर नहीं हंसेगी, सी वुड नॉट लाफ एट हर, वह जो टीचर है ना वो उस पर नहीं हंसेंगी, ऐसा भोली को थोड़ा सा आत्मविश्वास जो है वो होने लगा कि वो उस पर जो है नहीं हंसेंगी। ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो
इस प्रकार का जो बिहेव है वो कर रही है। किस प्रकार का बिहेव? एक जैसे एक बच्चा जो होता है और बच्चे के साथ उसकी जो मदर है बिहेव करती है या फ्रेंड को बिहेव करता है, इस प्रकार से वो बिहेव कर रही है, तो क्या सोचती है कि शायद अब की बार ये जो बच्ची है, बच्ची जो मतलब एक तरह ये भोली जो है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये अब की बार उसकी आवाज़ से या उसकी पुकारने से जो है वो अपने आप को इंसल्ट महसूस जो है वो नहीं करेगी, अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करेगी। फिर वो बोलती है भय भय, फिर भो भो, कहने का मतलब यहाँ पर भी एक तरह से उसकी जो स्टैमरिंग वॉइस है, वॉइस उसकी कैसी है, स्टैमरिंग है, हकलाने वाली आवाज़ है, तो उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सी बिगेन टू स्टैमर, वो हकलाने लगी, बिगेन टू स्टैमर, स्टैमर मीन्स हकलाना, वो हकलाने लगी। तो उसकी टीचर जो उसने क्या बोला, वेल डन, वेल डन बेटा, शाबाश, जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल बोलें, आपका नाम जो है कंप्लीट आप बताएं। द वेल डन द एनकरेज्ड हर, यहाँ पर जो है उसने उसको एनकरेज किया है, किसने एनकरेज किया है, जो टीचर है ना उसने उसको एनकरेज किया है, बार बार जो है द टीचर एनकरेज्ड हर। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड जो है वो थोड़ा सा मिस कर दिया यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा द के बाद में द टीचर, द टीचर एनकरेज्ड हर, अध्यापिका जो है उसने उसको एनकरेज किया कि कम ऑन बेटा बोलो आप, नाउ द फुल नेम, अब अपना फुल नेम जो है बोलो, इस बात के लिए उसको जो है एनकरेज किया है, उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है कि आपको अपना कंप्लीट जो नेम है वो कंप्लीट नेम जो है वो बताना है कि आपका कंप्लीट नेम क्या है। इस प्रकार से जो है होली को ये बताया गया है, टीचर के द्वारा उसको एनकरेज किया गया है कि अपना कंप्लीट जो नेम है वो कंप्लीट नेम आप बताएं कि आपका कंप्लीट नेम क्या है। तो एक फैमिली मेंबर की तरह उसके साथ में, भोले के साथ में जो टीचर है वो बिहेव कर रही है, एक फैमिली मेंबर की तरह टीचर जो है वो भोले के साथ बिहेव कर रही है। इस बच्ची को थोड़ा सा एनकरेज करेंगे तो ये डेफिनेटली अपना जो नाम है वो अच्छी तरह से बता देगी। इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनको अगर हम एनकरेज करते हैं तो कोई भी जो काम है उनके लिए या कोई भी जो टास्क है उनके लिए उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ओके, इस प्रकार से हमने इसका ट्रांसलेशन किया है। अब हम इसके जस्ट बाद में जो है इसका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसका हम स्टडी करेंगे। तो ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसमें टेंसेज वगैरह है, वॉइस वगैरह है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिएगा इसका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो देखें। सी कैप्ट, यहाँ पर क्या है, सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में। ओके, इसके जस्ट बाद में है सी सेट, सेट क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, फिर से पास्ट सिंपल में। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज ज़्यादा हुआ है। सिट इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेट सेकेंड फॉर्म, और थर्ड भी सेट ही होता है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हू शी न्यू, उनकी तरफ साहस नहीं करते हुए, हू सी न्यू, न्यू का मतलब जानती थी, क्या जानती थी वो, कि ये जो लड़कियां हैं वो अभी भी मेरे ऊपर जो है वो हंस रही थी। तो यहाँ पर जो है एक तरह से ये पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके जस्ट बाद में वर स्टिल लाफिंग एट हर, वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, तो ये गर्ल्स के लिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स है। ओके, ये प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका यूज किया गया है, इसका वर का यूज किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वर। तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है वो इसका यूज किया जाता है। इसके जस्ट बाद में है तो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस जहाँ भी होता है वहाँ फर्स्ट आईएनजी का यूज किया जाता है। इसके जस्ट बाद में है व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, बेल मीन्स घंटी, रैंग मीन्स बजी, रिंग का सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग, आर यू एन जी, ऑल द गर्ल्स स्कर्रीड आउट, स्कर्रीड का मतलब तेज गति से दौड़ना, आउट मीन्स बाहर, तेज गति से दौड़ कर वो बाहर आई, किससे, ऑफ द क्लासरूम। तो यहाँ पर स्कर्रीड जो है, ये स्कर्रीड है वो
कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल और वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके जस्ट बाद में हम आगे स्टडी करेंगे, वो देखिएगा। जस्ट बाद में है बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। भोली ने साहस नहीं किया उस कॉर्नर को छोड़ने का, जिस कॉर्नर में क्लासरूम में बैठी थी ना, उस कॉर्नर को छोड़ने का उसने साहस नहीं किया। तो यहां पर भी सेकंड फॉर्म। इसी जस्ट बाद में है हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी उसका सिर जो है नीचे था। सी कैप्ट, यहाँ पर पास्ट सिंपल, उसने अपना सिर जो है वो नीचे कर रखा था। सी कैप्ट ऑन सोबिंग है सोबिंग, वो जो है सुबकने लगी, सुबकती रही है, सुबकने लगी। तो यहाँ पर पास सिंपल टेंस हो गया। भोली, टीचर ने कहा भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, टीचर की आवाज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो यहाँ पर जो है वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म बी होता है और सेकंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीन। तो उसकी आवाज़, टीचर की आवाज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा नम थी। नम का मतलब ऐसे अफेक्शनेटली कह सकते हैं आप, अफेक्शन से बोल रही थी, प्रेम से बोल रही थी वो। इन ऑल हर लाइफ, भोली ये सोच रही कि मेरे संपूर्ण जीवन में, कहने मतलब 10-12 साल की बच्ची तो सोच रही है, थोड़ा सोचने के लिए मजबूर है कि ऐसा मुझे आज तक किसी ने नहीं पुकारा, मतलब ऐसे प्रेम से उसकी फैमिली के किसी मेंबर ने उसको आज तक नहीं पुकारा। तो सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, कहने का मतलब ये पैसिव वॉइस बना रखा है। किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ओके, वैसे हेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? ये थर्ड फॉर्म ही आती है, लेकिन बीन जहाँ आ गया ना, इट मीन्स वो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। बीन आने का मतलब ये नहीं वह फर्स्ट आई एन जी आ जाए, बीन के जस्ट बाद में थर्ड फॉर्म आती है। ओके, इस प्रकार से हेड के साथ में, तो वहाँ पैसिव वॉइस माना जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसके जस्ट बाद देखिएगा इट टच्ड हर हार्ट, इस आवाज ने, इस बिहेव ने, व्यवहार ने भोली के दिल को छू लिया, भोली के हृदय को छू लिया। तो टस्ट जो है ये भी सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा बेटा उठो, सेड मींस कहा, गेट अप उठो, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। ओके, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है बार बार। इट वॉज, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये आदेश नहीं था, बट क्या था? बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, ये के मित्रवत सुझाव था टीचर की तरफ से कि बेटा उठो और अपना नाम जो है वो बोलो, या बाहर जो और लड़कियां खेल रही हैं उनकी तरह जाकर के तुम भी खेलने लग जाओ। ओके, नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस जो है उसका यूज किया जा रहा है, टेल मी योर नेम। इसके बाद है स्वेट ब्रोक आउट, यहाँ पर पास सिंपल टेंस है, पसीना जो है उसने भोली को तर बतर कर दिया। इसका मतलब तर कर दिया, मतलब भयंकर रूप से या बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है तो हम भीग जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं ब्रोक आउट, स्वीट ब्रोक आउट। मैड हर मैड वेट कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से उसको गीला कर दिया। ओवर हर होल बॉडी, संपूर्ण शरीर पर पसीना जो है पूरी तरह से फैल गया। तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस हुआ? पास्ट सिंपल। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, वो क्या सोचती थी, क्या उसकी जो हकलाने वाली आवाज़ है, स्टैमरिंग वॉइस या स्टैमरिंग टंग, हकलाने वाली जो जुबान है, आवाज़ है, वो क्या उसे दोबारा अपमानित करेगी? डिस्ग्रेस मीन्स अपमानित करना। तो यहाँ पर जो पास्ट टेंस ही है, विल का सेकंड फॉर्म या विल का पास्ट जो होता है ना वो होता वुड, विल का पास्ट वुड, सेल का पास्ट शुड, कैन का पास्ट कुड और मे का पास्ट माइट। इस प्रकार से मॉडल के पास्ट होते हैं। तो क्या मुझे हकलाने वाली जो आवाज़ है उसको, हकलाने वाली जो जुबान है, क्या उसको अपमानित अपमानित करेगी? ओके, इस प्रकार से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन कौन से टेंसेस का यूज किया जा रहा है। फिर इसके जस्ट बाद देखिएगा फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस प्रकार की महिला के लिए। हाउएवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने प्रयास करने का निश्चय किया। किस प्रकार की महिला के लिए? उस टीचर के लिए, कि टीचर मुझे किस प्रकार से अच्छा बिहेव कर रही है तो मैं मेरा नाम बताने का प्रयास करूं या कुछ बोलने का मैं एफर्ट करूं, प्रयास करूं। सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने प्रयास करने का निश्चय किया। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ कितनी शांत कर देने वाली थी, कितनी मन को छू लेने वाली थी, किसकी? टीचर की आवाज़। सी वुड नॉट लाफ एट हर, अब वो मुझ पर नहीं हंसेगी, टीचर तो नहीं हंसेगी कम से कम, उसको इतना विश्वास है। तो यहाँ पर विल का पास्ट वुड, यहाँ पास्ट सिंपल हैड आ रहा है, तो हैव का पास्ट हैड। ओके,
इसके बाद है भय, भय और भो, वो ये आवाज़ को कर रही है बट उसकी कंप्लीट जो वॉइस है वो नहीं निकल पा रही है। सी बिगेन टू स्टैमर, वो हकलाने लगी। तो यहाँ पर बिगेन है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, मतलब बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन है, बी आई जी ई बी आई, ये नहीं बी ई जी आई एन, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बी ई जी आई एन बिगिन, सेकंड फॉर्म बी ई जी ए एन, थर्ड फॉर्म बी ई जी यू एन। तो ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया इसका बी ई जी आई एन, ध्यान रखने की बात। तो वो उसने शुरू किया स्टैमर हकलाना, तो फिर उसने क्या बोला आगे देखो, वेल डन वेल डन, मतलब शाबाश बेटा आप जो है प्रयास करो थोड़ा सा। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया, तो यहाँ पर भी पास्ट है सिंपल, एनकरेज्ड सेकंड फॉर्म है। कम ऑन, तरह से हम किसी को थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हो, कम ऑन कम ऑन वर्ड यूज करते हैं कि थोड़ा सा वो एनकरेज हो जाए और अपना जो भी बात है वो बिल्कुल अच्छे तरह से कह दे। किसी को प्रोत्साहित करने के लिए अपन कम ऑन वर्ड का यूज जो है वो ज़्यादा करते हैं। ओके तो कम ऑन नाउ द फुल नेम, अपना फुल नाम बताओ। इस प्रकार से जो है टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया है और बच्ची अपना नाम बताने के लिए जो है वो तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो है इसमें स्टडी किया है। नेक्स्ट टाइम जो है हम थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट जो है उसको स्टडी करेंगे, तब तक आप इसकी लर्निंग करें, इसके स्पेलिंग्स वगैरह जो है उनको देखें, इसका ट्रांसलेशन देखें। ओके कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछें आप। ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।